संदिग्ध हालात में लापता हुआ छात्र। दरअसल पानीपत के तहसील कैंप से छात्र के संदिग्ध हालात में लापता होने का मामला सामने आया है। तहसील कैंप के दुष्यंत नगर के राकेश कुमार ने पुलिस को शिकायत दी कि उनका बेटा मोहित शनिवार को ट्यूशन पढ़ने के लिए बुलेट बाइक से घर से निकला था। घर वापस नहीं आया तो उन्होंने मोहित को कॉल की। उसने बताया कि थोड़ी देर में घर वापस लौट आएगा। काफी देर बाद बेटा घर नहीं लौटा तो उन्होंने उसकी तलाश शुरू की। मोहित ने दोस्त को कॉल कर बताया कि वे यमुना पर है, वहीं पर बाइक खड़ी मिलेगी, बाइक घर भेज देना। दोस्त व स्वजन यमुना पर तलाश करते रहे। बाद में वे असंध नाका चौकी के पास दिल्ली पैरेलल नहर पर पहुंचे तो शमशान भूमि के पास बाइक खड़ी मिली जिसमें चाबी लगी थी और इस पर टंगे बैग में किताबें व मोबाइल फोन मिला। केवल ये कह के नहीं रहा, मैं पढ़ाई के लिए जा रहा हूँ, अपनी बाइक थी उसके साथ में, बैग था, मोबाइल था और कुछ नहीं बताया उसने। 4:30 के आसपास वो निकला है और 9 के आसपास उसकी मम्मी ने फ़ोन किया उसको कि बेटे खाना खाने के लिए आ जा। तो थोड़ा सा वो नर्वस था, बोला बेटे बात होता था क्या है, बोला कुछ नहीं मम्मी, बोला फिर आजा खाना खा ले, बोला मम्मी आप अभी आ रहा हूँ 2 मिनट में। 2 मिनट के बाद उसका फ़ोन नहीं लगा फिर, और 2:30 या 3 के बाद में रात को उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। उसके बाद उसे कोई बात नहीं। फिर यहाँ से इनका फ़ोन आता है कि भाई साहब कौन बात कर रहे हैं, मका जी मैं राकेश बात कर रहा हूँ, बोला मोहित मका जी मेरा बेटा है, बोला भाई साहब आप यहाँ पे आ जाओ एक बार चौकी में, और मैं ऐसा ही बोल रहा हूँ मगर सर आ जाता हूँ। यहाँ आने के बाद में पता चला कि इन्होंने बुलेट बैग और उसके जो सामान था मोबाइल वगैरह वो इन्होंने बरामद कर लिया था पटरी से, तो अपना नहर की पटरी से, अपना बैचलर से, बीटेक की हुई, बीटेक है सी एस से कंप्यूटर साइंस से, और एक साल है यूपीएससी की तैयारी कर रहा है वो। मन करेंगे एक बेटा मेरा, कोई टेंशन नहीं, शनिवार तक जब तक वो घर से निकला उसको कोई टेंशन नहीं थी। पुलिस ने बाइक को कब्जे में लिया है। असद नाका चौकी प्रभारी अतर सिंह ने बताया कि गोताखोरों की मदद से मोहित की तलाश की जा रही है और गुमशुदी का मामला भी दर्ज कर लिया गया है। मोहित नाम का लड़का है, 10:00 के करीब यहाँ नहर पे बातचीत कर रहा था फोन पे और बाइक खड़ी छोड़ के यहीं पे और अपने बैग और फोन उसमें बैग में छोड़ के और कहीं चला गया या नहर में छलांग लगा गया। इस बारे में ये बाइक मिली थी उसके घर वालों को कल सूचित कराया था और घर वालों ने आके कंप्लेंट दी हुई। 4 ट्यूशन के लिए गया था, उसके बाद वापस नहीं आया और उसकी नहर में अभी तो फिलहाल नहर में तलाश कर रहे हैं और बाहर भी उसके बारे में पता कर रहे हैं, अभी कहीं बाहर अगर चला गया हो या क्या है उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका।